का शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि कलोरकोट का सरकारी सबसे बड़ा बाग फरीदाबाग हुकूमत की तवज्जो का मुंतजर है। बाग उजड़ा हुआ और वीरान है, और अगर हुकूमत बाग पर खसूसी तवज्जो दे तो बाग से हुकूमत को कसीर रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है। मजीद तफसील जानते हैं वकास खालिद से। जी वकास, बताइएगा कि बाग की सूरत हाल कैसी है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलूरकोट का फरीदा गार्डन में, और ये पंजाब का सरकारी सबसे बड़ा जो है वो बाग है रकबे के लिहाज से। अगर मैं बात करूँ इस बाग की खस्ता हाली की, तो ये बाग हुकूमत की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से उजड़ा हुआ और वीरान नजर आता है। इस बाग पर केनू, माल्टा और खजूर की काश्त की जाती है, और ये बाग सैकड़ों जो है एकड़ पर मुहीद है। और एक वक्त था जब इस बाग का जो ठेका है वो करोड़ों में होता था, और हुकूमत को कसीर रेवेन्यू इकट्ठा होता था इस बाग से। मगर पिछले कुछ अदवार से इस बाग की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से बाग उजड़ा हुआ और वीरान नजर आता है। अगर हुकूमत फरीदा बाग पर खसूसी है वो तवज्जो दे और खसूसी इकदाम करे इस बाग को सुधारने के लिए, तो कलूरकोट का जो फरीदा बाग है वो हुकूमत पंजाब हुकूमत की आमदनी में एक अहम इजाफे का सबब भी बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने को, और बुलेटिन में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक।